हेलो गाइस माय नेम इज़ पे एंड वेलकम बैक टू ऑन द केस स्टडी विद मी मैंने ये बहुत दिनों से बात नहीं बोली थी बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉटेंट टू रिमेंबर हम सभी लोग लाइफ की इतनी लंबी रेस में भाग रहना कि कभी कभी हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग एक बस नॉर्मल इंसान है नॉर्मल इंसान से मेरे कहने का मतलब है कि हमारी अपनी फीलिंग्स हैं कभी कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम लोग बहुत खुश होते हैं पर कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं सो so मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उन दुख वाले दिनों को लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी को ऐसे कोसना मत अगर रिसेंटली आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके साथ अच्छा टाइम नहीं चल रहा है या फिर आपके साथ, साथ कुछ बुरा हो रहा है दैन ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग कि टुमारो तुम्हें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है सो ऑलवेज़ भी होपफुल ऑलवेज़ भी चेयरफुल अपना हंड्रेड परसेंट दो जिस भी काम में तुम कर रहे हो एंड या टुमारो विल बी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू डोंट लेट योर सैड डेज वे यू डाउन दैट्स ऑल बट लेट्स टॉक अबाउट टुडेस केस नाउ आज के केस में हम सुपर की बात करने जा रहे हैं और इंडिया से ही एक सिमिलर सुपर का केस जो केरला में हुआ था तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है तो अगर तुम्हें सुपर के बारे में और जानना है या फिर इन केस से रिलेटेड एक और वीडियो देखनी है देन चेक आउट बट या, इंडिया में सुपर बहुत ही ज्यादा है बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उसको पार नहीं करना चप्पल उल्टे नहीं रखने वरना बैड लगा जाता है रात में नाखून नहीं काटना ट्यूजडे को बाल नहीं काटना शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो लॉस के अलावा इंडियन लॉस के अलावा सुपर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले

टल स्टेट में नहीं हो जिनमें आप ऐसी बातों को सुन सकते हो रिवॉल्विंग अराउंड ये सब स्टार्ट होता है इस ही साल 2023 अप्रैल में गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक गांव विंचिया में इस गांव में हेमू मकवाना जो कि 38 साल के थे उनकी वाइफ हंसा बहन मकवाना जो कि 35 साल की थी और उनके दो बच्चे रहते थे जो कि 12 और 13 साल के थे मकवाना फैमिली फार्मर्स थे और उनके पास कुछ गाय बैल और तीन खेत भी थे और फार्मिंग से ही उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती थी देवर अ हैप्पी फैमिली दोनों बच्चे सरकारी स्कूल जाते थे स्कूल से वापस आने के बाद खेलते थे और उनके माँ बाप भी उन बच्चों को ज़्यादा टोकते नहीं थे बस कभी कभी वो अपने बच्चों से शाम को पूजा करवाते थे जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे चंचल होते हैं तो उन्हें पूजा करने का मन नहीं होता है बट हेमू एंड हंसा खुद इतने बड़े भक्त थे कि अपने पेरेंट्स को देख देख कर उनका डिवोशन देख देख कर वो दोनों बच्चे भी पूजा कर ही लेते थे जिस बस्ती में हेमू और हंसा की फैमिली रहती थी वहाँ उनके साथ और भी फार्मर्स रहते थे ज़्यादातर घर यहाँ पर पक्के नहीं थे और सभी घर के साथ एक गाय बछड़ा रखने के लिए स्टेबल भी बना रहता था पर हेमू हंसा और उनके बच्चों के साथ साथ इस बस्ती में हेमू का भाई भी रहता था और उनका इकलौता ऐसा घर था जो कि इस बस्ती में थोड़ा बहुत पक्का था हेमू हंसा के साथ उनके पेरेंट्स भी रहते थे तो उनका घर ज्यादातर टाइम पे क्राउडेड ही रहता था और हेमू हंसा के बच्चों को उनके अंकल बहुत ज्यादा पसंद थे तो एक दिन हेमू ने एक प्लान बनाया उसने अपने भाई से बात करके सोलह अप्रैल ट्वेंटी को अपने बच्चों को अपने भाई के घर में सोने के लिए परमिशन मांगी जिसके लिए ऑब्वियसली हेमो के भाई ने हाँ कर दिया और इस प्लान को सुनकर उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे बिकॉज एज आई सर दिस किड्स दे लव देयर अंकल तो 16 अप्रैल को हेमू अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर गया और मिलने पर ये दोनों ही बच्चे सीधा अपने अंकल के घर के अंदर भाग गए और अपने घर के बाहर पे खड़े होकर हेमू और उसके भाई ने थोड़ा बातें करी देर इज मच डिटेल क्योंकि हेमू के भाई ने इस इंसिडेंट के बाद ज्यादा डिटेल नहीं दी है पर उन्होंने कहा था कि उस रात सोलह तारीख की रात को उन्होंने अपने भाई से नॉर्मल ही बात करी थी कि उनकी खेती कैसे चल रही है उनकी फसल कैसी है उनके जानवर कैसे है ऐसी नॉर्मल बातें एंड सीमिंगली हेमू की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था ही वॉज कंट

उस रात हेमू अपने बच्चों को अपने भाई के घर में रख के घर वापस आया एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब किसी ने भी हेमू को देखा था अगले दिन जब बच्चे घर वापस गए तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोजना शुरू करा बट टू देयर सरप्राइज उनके पेरेंट्स उस दिन घर पे नहीं थे विच वाज वियर्ड क्योंकि ये दोनों दिन में खाना खाने के टाइम पे घर वापस आए थे एंड इस टाइम पर हेमू और हंसा अगर कभी खेत में काम भी कर रहे होते थे तो वो वापस आ जाते क्योंकि उनके पेरेंट्स का खाना भी हंसा ही बनाती थी तो बच्चे उनके घर के पीछे अपने खेत में चले गए अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जहां नॉर्मली उनके पेरेंट्स उन्हें हमेशा मिल ही जाते थे। और हंसा अपने खेत में, में जहाँ से छिपक कर एक प्लास्टिक का टेंट बना हुआ था ना जो ये टेंट था ये इन बच्चों को याद था क्योंकि हेमू और हंसा इसे काफी ज्यादा टाइम से बना रहे थे और काफी ज्यादा टाइम से हेमू और हंसा दोनों मिलकर इस टेंट के अंदर कुछ चीजें ले ते थे इट वॉज अफ्ट टेंट जो कि बेस के लिए स्टिक्स और वॉल्स के लिए प्लास्टिक बैग से बनाया गया था जिस बैग में हेमू अपने फील्ड के लिए कंपोस्ट लाता था वो ही बैग और रूफ़ के लिए भी उन्होंने प्लास्टिक बैग्स डाले हुए थे दोबारा पर इस टेंट के अंदर हेमू और हंसा ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक छोटा सा मंदिर बना रखा था उसके साथ साथ यहाँ पर हवन करने के लिए भी एक जगह थी विच वॉज जस्ट नॉट प्रैक्टिकल क्योंकि अगेन ये सात फीट से भी छोटी छत थी तो अगर वहाँ हवन करा जाता तो पूरी जगह में आग लग जाती इस हवन के आगे ही शिवलिंग था फूलों की एक माला थी लाल सिंदूर था और एक बहुत बड़ा चाकू और कुछ फ्रूट्स रखे गए थे पर सबसे वियर्ड चीज इस टेंट में थी एक गियटीन अगेन लुक्स से ये चीज क्लियर थी कि ये गियटीन हेमू और हंसा ने खुद ही बनाया था और शिवलिंग के ऑपोजिट गियटिन के पार एक रस्सी भी थी जो कि इजिली ऑपरेट करी जा सकती थी फ्रॉम बोथ हैंड्स हम 99% नाइन श्योर की तुम में से सबको पता ही होगा गियटिन का क्या काम होता है लेकिन जस्ट इन केस यू डोंट नो गियटिन पुराने टाइम में यूज करा जाता था मुजरिम का सर काटने के लिए क्योंकि गियटिन के जो मेटल की धार होती थी वो इतनी पैनी और इतनी भारी होती थी कि जैसे ही उसे छोड़ते थे वैसे ही फोर्स की वजह से किसी का भी गला कट जाता था उससे एंड सेम चीज़ हेमू एंड ने भी अपने स्टेंट में बना रखी थी तो so इस पूरी सीनरी को देखकर एक ही चीज़ बाहर आती है काला जादू तंतर मंतर। ये यही थॉट आया होगा तुम्हारे दिमाग में भी और यही सेम थॉट आया था मेरे दिमाग में भी ये इमेज देखकर बढ़िया कमिंग बैक टू दीज किड्स ये दोनों बच्चे इस के अंदर घुसे एक्साइटेड टू सी देयर पेरेंट्स पर उन्हें वहाँ बस दो शरीर दिखे और ये दोनों शरीर उनके पेरेंट्स के ही थे क्योंकि इन दोनों बच्चों को अपने मॉम की रेड साड़ी और अपने डैड के वाइट शर्ट याद थी बट सैडली इन बॉडीज पर सर नहीं थे इस सीन को देखकर ये दोनों बच्चे वहाँ से भागे और घर जाकर इन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें हेमू और हंसा की बॉडी के बगल में एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि उनके मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं और कोई नहीं और बस एक ही रिक्वेस्ट थी उनकी मरने के बाद कि कोई उनके बच्चों का और माँ बाप का ध्यान रख दैट वॉज इट गुजरात पुलिस ने यहाँ पे आकर यह कहा कि इन दोनों ने अपनी जान खुद ही ली है और सबसे पहले हेमू ने और फिर हंसन ने अपनी बलि चढ़ाई थी इस गेटिंग के थ्रू इन्होंने अपना सर काटा या फिर बलि चढ़ाई और ये सर कटते ही जो मैंने तुम्हें हवन दिखाया था ना अभी उसमें जाके गिरा रीजन किसी को भी समझ नहीं आया ना ही मोटिव क्योंकि अगेन उनकी लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा था जब इन लोग की बॉडी ऑटोपसी के लिए भेजी गई तब भी देवर क्लीन क्योंकि पुलिस को ये चीज लगा की शायद से ड्रग के इन्फ्लुएंस की वजह से इन्होंने कुछ ऐसा कदम ले लिया होगा बट नहीं उनकी बॉडी में कुछ भी नहीं था यहां पर ऑब्वियसली वही चीज हुई ज्यादा तंत्र मंत्र क्योंकि हमने पहले भी देखा है ये चीज़ इंडिया में कि लोग अपनी भले चढ़ा देते हैं अपने आप को लटक जाते हैं इन जस्ट सच कि कुछ इनके साथ पॉजिटिव होगा या फिर कुछ उनके साथ उन्नति होगी और बट नॉट विद हेमू एंड हंसा उनकी डेथ एक मिस्ट्री बन गई एंड इन दिस केस सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगा बच्चों के लिए क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि उन्होंने अपने मॉम डैड की डेड बॉडी ढूंढी एंड सेकंड थिंग इज दैट की ये चीज पक्का एक ट्रामा बन जाएगा उनके लिए क्योंकि वो इतने छोटे भी नहीं थे कि इस चीज को भुला सके बट विद दैट हेमो और हंसा का केस यहीं पर समाप्त होता है बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल की अगर आपको ट्रू कैंड डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड विद दैट आई होप देर हैप्पी आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी प्लीज कीप य लव डोन्स वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी योर गेम वेर वी सुन बाय बाय